हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स। बालों को लंबा करने के लिए हम लड़कियाँ काफ़ी ट्रिक्स देखती रहती हैं, तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही होम रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपके बालों को तेज़ी से लंबा करेगा। अगर आपके बाल पतले हैं तो उनको भी घना करने में ये होम रेमेडी बहुत ही अच्छी है। लेकिन आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कि इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे लगाना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना बिल्कुल फ्री है, तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं, लेट्स गो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो आप डेली अपने बालों के लिए ऑयल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप इसको 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी रखिएगा। सेकंड मैं लूँगी एल्प्स गुडनेस का आंवला पाउडर। ये बहुत अच्छा ब्रांड है। पर्सनली इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच आंवला पाउडर लिया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो सेकेंड मैं सेम ही ब्रांड का ले रही हूँ, ब्रिंगराज पाउडर। ये भी आपको एक ही चम्मच चाहिए। जो पाउडर यूज़ कर रही हूँ सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थर्ड हम लेंगे नीम पाउडर। तो हम एक चम्मच नीम पाउडर इस ऑयल में डाल देंगे। नीम पाउडर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर स्कैल्प के ऊपर किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो तो हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, तो ये इन्फेक्शन को दूर करेगा। उसके बाद आपने एक बर्तन में गर्म पानी लेना है, बिल्कुल गर्म पानी होना चाहिए, और इस कटोरी को उसमें रख दीजिए। 10 मिनट तक आप पानी में ही रहने दीजिए। ऐसा करने से जो पाउडर हमने डाले हैं वो सारे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ऑयल में, और इनकी जो भी गुडनेस है वो सारी ऑयल में आ जाएगी। इस ऑयल को आपने अच्छे से मालिश करनी है अपनी हेयर रूट्स के ऊपर। अच्छे से आपने मालिश करनी है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी हेयर ग्रोथ रुक गई है या फिर आप अपने बालों को जल्दी से लंबा करना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाएं। हो सके तो आप इसको ओवरनाइट लगा के सो जाइए और सुबह आप शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। अगर आप दिन को लगा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे अपने बालों पे लगा रहने दीजिए, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। मैं ऐसी और भी बहुत सारी हेयर्स के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। देखने के लिए मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।